मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक पर वैद्युत सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। तो वैद्युत सेलों का संयोजन हम पढ़ेंगे। वैद्युत सेलों का संयोजन जो होता है, तीन प्रकार से हम सेलों का संयोजन करेंगे, पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। लेकिन सेल का संयोजन पढ़ने के पहले थोड़ी सी बात हम करेंगे। जो पिछला वाला वीडियो हमारा था, जो कॉपी में हमने आपको पढ़ाया था, कॉपी वाला टॉपिक, क्योंकि उस दिन हम कॉलेज नहीं आ पाए थे तो वीडियो बना नहीं था, इसलिए कॉपी में पढ़ा दिए गए थे। तो जो कॉपी वाला पढ़ाया उसमें हमने सूत्र पढ़ाया था V = E - IR। ये सूत्र हमने पढ़ाया था। टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर V = सेल का आंतरिक, सॉरी सेल का विद्युत वाहक बल माइनस धारा हुए आंतरिक प्रतिरोध। तो इस संबंध को हम कहते हैं टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। अब देखिए, इससे हम एक सूत्र निकालेंगे, ओम का नियम क्या होता है, V = IR। ये ओम का नियम होता है, V = IR। तो इन दोनों को जब अगर हम मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद में हमको क्या मिल जाएगा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो IR = मिल जाएगा E - IR स्मॉल आर को बन जाएगी, तो IR + I = E हो जाएगा। I को यहाँ काम ले लीजिए, तो R + R + r हो जाएगा E के, या आपका I = हो जाएगा E / R + r। यानी किसी सेल में प्रवाहित धारा I = होती है सेल का विद्युत वाहक बल / कुल प्रतिरोध। ये R जो है ये बाह्य प्रतिरोध है और r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध यानी सेल का प्रतिरोध। तो यह सूत्र अभी आगे यूज होगा, इसलिए हमने आपको बता दिया है। अब आगे हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, वैद्युत सेलों का संयोजन, ये हमारा हेडिंग है। तो आप ध्यान से सुनिए, वैद्युत सेल वैद्युत धारा प्राप्त करने का एक स्रोत है। ये जो वैद्युत सेल है ये वैद्युत धारा प्राप्त करने का एक स्रोत है, यानी हम सेल के द्वारा धारा प्राप्त कर सकते हैं। हम एक वैद्युत सेल से प्रबल धारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी ये जो वैद्युत सेल है ये वैद्युत धारा प्राप्त करने का स्रोत है, परंतु अकेले एक सेल से प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी अगर एक सेल है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में धारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यानी अधिक धारा प्राप्त करने के लिए कई सेलों की आवश्यकता होती है। और इन कई सेलों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ते हैं, और इन सेलों के संयोजन को हम बैटरी कहते हैं। सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। सेलों का संयोजन तीन प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। सेलों को तीन प्रकार से जोड़ते हैं, श्रेणी, समांतर और मिश्रित क्रम। तो सबसे पहले हम कौन से क्रम की बात करेंगे, श्रेणी क्रम की बात करेंगे। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, ये देखिए, एक सेल हो गया। अब पहले सेल के धन से, ऋण से, ये आपका धन है और ये क्या है, ऋण है। और इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E है, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, r है। अब पहले सेल के ऋण से दूसरे सेल का धन जोड़ते हुए, और दूसरे सेल के इसका भी विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध r है, ये ऋण टर्मिनल है, ये धन टर्मिनल है। फिर दूसरे सेल के ऋण से क्या करेंगे, तीसरे सेल का धन जोड़ देंगे। इस प्रकार से आपको जितने भी सेलों को जोड़ना है सबको जोड़ते हुए आप चले जाएंगे, और बाहर बाह्य प्रकृति का प्रतिरोध कैपिटल आ रहा है, यहाँ पे एक कुंजी लगी हुई है, ये कुंजी क्या है, ये बाहर का प्रतिरोध है, और इसमें कितनी धारा मान लीजिए I धारा है, ठीक है ना। तो यह सेलों श्रेणी क्रम में सेलों को कैसे जोड़ते हैं, पहले सेल के ऋण से दूसरे सेल का धन, फिर दूसरे के ऋण से तीसरे का धन, ऐसे जितने सेल हैं आगे आप जोड़ते हुए चले जाएंगे।
अब हमने माना कि स्मॉल यंग सेल, माना माना स्मॉल यंग सेलें श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनमें स्मॉल यंग सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। हमने क्या मान लिया कि यंग सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। ये सेलें कैपिटल आर बाय प्रतिरोध में धारा भेज रहे हैं। ये जो सेले हैं ये कैपिटल आर बाय प्रतिरोध में धारा भेज रहे हैं, यानी ये कैपिटल आर जो बाय प्रतिरोध है इसमें ये सेल क्या कर रहे हैं, धारा भेज रहे हैं। अब देखिए इधर सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, तो सेलों का कुल विद्युत वाहक तो क्या हो जाएगा, देखिए E+E+ डॉट 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 कहाँ तक, यंग पदों तक, कितने पदों तक, यंग पदों तक, क्योंकि कितने सेल है, यंग सेल है, तो यंग सेलों का कुल विद्युत वाहक तो कितना हो जाएगा, यंग ई। अब देखिए इधर कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा स्मॉल एल इंटू आर, स्मॉल एल इंटू आर, क्योंकि कितने यंग सेल है और एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, दूसरे का स्मॉल आर धन स्मॉल आर धन स्मॉल आर धन डॉट 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 यंग पदों तक, तो जब यंग पदों तक आप करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, यंग आर। अब ये आर हो गया आपका परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध धन बाह्य प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध कितना है, यन आर, और बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर, यन आर प्लस कैपिटल आर, ये क्या हो गया परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब देखिए यदि परिपथ में धारा आई हो तब, अभी देखिए जब स्टार्टिंग किया मेरे टॉपिक का तो आपको बताया है कि सेल वाले परिपथ में धारा आई बराबर होती है कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, तो कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, यानी आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल यानी कुल प्रतिरोध, तो यंग आर प्लस कैपिटल आर, ये आपका क्या मिल गया, श्रेणी क्रम में जुड़े यंग सेलों में प्रवाहित धारा का सूत्र। यानी अगर जैसे अगर मान लीजिए पांच सेल दिए हैं, पांचों सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई पता है, आंतरिक प्रतिरोध पता है, विद्युत वाहक बल कैपिटल ई पता है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर पता है, और परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर पता है, तो आप उसमें धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यंग क्या है, सेलों की संख्या, ई को आप जान ही रहे, विद्युत वाहक बल स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल आर, बाह्य प्रतिरोध। अब देखिए कुछ विशेष स्थितियां हैं, एक नंबर है यदि यंग आर इज लेस देन कैपिटल आर,
यानी ये जो यन सलो का आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर की तुलना में बहुत छोटा है, तब क्या हो जाएगा? तब समीकरण एक से, तो समीकरण एक से क्या करेंगे, समीकरण एक से क्या हो जाएगा, समीकरण एक से हो जाएगा ये यन आर नागण हो जाएगा यन इंटू स्मॉल आर, तो आई बराबर क्या मिल जाएगा, यन ई बटे कैपिटल आर, आई बराबर क्या हो जाएगा, यन ई बटे कैपिटल आर। अब देखिएगा दूसरा नंबर, यदि यदि यन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तब समीकरण एक से, तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा, अब समीकरण एक से आपका हो जाएगा आई बराबर, अब यहाँ पे कौन निकट होगा, कैपिटल आर निकट होगा, तो यन ई बटे क्या हो जाएगा, यन आर, तो यन से यन कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा, ई बटे आर हो जाएगा। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, समांतर क्रम की बात करेंगे, अब आप लोग देखेंगे समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में क्या करते हैं कि जितने भी सेल आपको जोड़ने हैं सभी सेलों के धन को एक बिंदु से और ऋण को एक बिंदु से, ये देखिए एक सेल ये आपका दूसरा सेल हो गया, ये आपका तीसरा सेल हो गया, ये देखिए सभी सेल का विद्युत वाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध आर है, ये धन सिरा ये ऋण सिरा, आर विद्युत वाहक बल ई, ये धन सिरा ये ऋण सिरा, ई स्मॉल आर ये ऋण सिरा ये धन सिरा, ये बाह्य प्रतिरोध कितना है कैपिटल आर है, ये कुंजी लगी हुई है, ये के है और ये क्या है कैपिटल। चित्र आप देख लीजिए और मैं बोल रहा हूँ सुनिएगा, समांतर क्रम में सभी सेलों के धन ध्रुव एक बिंदु से तथा ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु से जोड़े जाते हैं, माना कि स्मॉल यन सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, माना हमने क्या कि ये तो तीन सेल दिखाया है लेकिन माना कि कैपिटल यन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है और आंतरिक प्रतिरोध कितना है स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध कितना है स्मॉल आर है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और यन सेलों की यह एक यन सेलों की यह एक बैटरी है जिसका बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, यानी ये यन सेल जो है ये बाह्य परिपथ से जुड़े हैं, बाह्य परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कितना है कैपिटल आर। अब देखिए आगे, चूंकि सेलें समांतर क्रम में जुड़े हैं, देखिएगा चूंकि सेलें समांतर क्रम में हैं, क्रम में हैं, अतः परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल कैपिटल ई होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि यन सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, अतः यन सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कैपिटल ई होगा। अब देखिए इधर, जब कुल सेलों का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई होगा तो देखिए इधर यन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, यन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, तो वन अपान आर वन आंतरिक प्रतिरोध को मान लीजिए। देखिए कक्षा 10 में पढ़े हैं आप प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, वन अपान आर बराबर वन अपान आर वन, पहले का प्रतिरोध दूसरे का प्रतिरोध डॉट कहाँ तक, यन पदों तक, यन पदों तक, ये आपका वन अपान आर वन बराबर मिल जाएगा यन अपान आर, या आर वन बराबर क्या मिल
स्मॉल आर बटे यंग, ये मिला आंतरिक प्रतिरोध। अब देखिए अतः अतः कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध धन बाह्य प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा, आंतरिक आर बटे यंग और बाह्य कितना है कैपिटल आर, बाह्य कितना है कैपिटल आर, तो आर बटे यंग प्लस कैपिटल आर। अब देखिए यदि बाह्य परिपथ में यदि बाह्य परिपथ में धारा आई हो, तो बाह्य परिपथ में धारा आई हो तब क्या हो जाएगा, तब आई बटा कुल विद्युत वाहक बल, तो इसका कुल विद्युत वाहक बल कितना है E बटे कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध कितना मिला है R बटे L प्लस R, या आपका हो जाएगा I बराबर E बटे R प्लस L R बटे L, या L ऊपर पहुंच जाएगा और आपको I बराबर मिल जाएगा L E बटे R प्लस L R, ये आपका मिल गया समांतर क्रम। धन्यवाद, वीडियो को देखिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।